सो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपने अमेजोन को जो भी इधर आपका पैसा है उसे आप कैसे अपने बैंक में ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वैसे दोस्तों अमेजोन पे बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास बहुत ही ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ उसके माध्यम से इधर आपका जो भी पैसा होगा इधर आपका बैंक अकाउंट में इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर आपको अपने अमेजोन पे बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए उसके लिए इधर आपको एक एप्लीकेशन को जरूरत पड़ेगा। इधर आपको प्ले स्टोर में आ जाना है, देन इसको इधर आपको सर्च बार में आ जाना है, उसके बाद आपको AppPay ऐसे लिखकर सर्च कर देना होगा। जैसे आप दोस्तों AppPay लिखकर सर्च करते हैं तो इधर आपको देखने को मिल जाता है AppPay वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर। इस एप्लीकेशन को इधर आपको डाउनलोड कर लेना है एंड इस एप्लीकेशन के जरिए आप इधर का जो भी पे लेटर है उनका भी पैसे आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को इधर आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, देन उसके बाद आपको सिंपल से ओपन कर लेना होगा। और दोस्तों आप जैसे इस एप्लीकेशन में फर्स्ट टाइम आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन में इधर आपको अकाउंट इधर आपको बना लेना होगा। जैसे आप दोस्तों अपने अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद आपको 5 रुपीज़ इधर आपको मिल जाता है। फर्स्ट में इधर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके आपको इधर अपने KYC को इधर आपको कर लेना होगा, क्योंकि अगर आप जब तक आपने इधर KYC नहीं करते तब तक आप इधर कोई सा भी ट्रांजेक्शन आप इधर से नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट में इधर आपको अपने KYC को कर लेना होगा एंड उसको इधर आपको क्या करना है, नीचे साइड में देखने को मिलते हैं जैसे इधर आपको एड वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों आप जैसे इस पर क्लिक करते हो आपके सामने एक इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों आपके सामने 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जैसे इधर आपको ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। तो सिंपल से आपको ऑप्शन 2 पर क्लिक कर देना होगा। ऑप्शन 2 पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको देखने को मिलता है इंटर अमाउंट। तो इधर आपको अपना अमाउंट डाल देना है जितना भी अपने अमेजोन पे का पैसे अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको डेमो के लिए दिखाता हूँ, जैसे कि मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इधर 1000 रुपये क्लिक किया, ठीक है। तो अभी आप देख सकते 25 रुपये इधर आपको लग रहा है। तो अभी आप देख सकते कुछ चार्ज इधर आपको लगता है तो आपको इधर देख लेना है। जैसे कि 1000 रुपये को इधर आपको 25 रुपये लग रहा है। तो दोस्तों मैं इधर ऑलरेडी से पहले से अपने पैसे को ऐड करके रखा हूँ। सबसे पहले इधर आपको अपना अमाउंट डाल देना है जितना भी आप अपने पैसे इसमें ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद इधर आपको ऐड पर क्लिक कर देना होगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद इधर आपको करना है थोड़ा सा वेट। अब दोस्तों आप जैसे वेट करते हैं तो आपके सामने एक इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों ऊपर साइड में देखने को मिलता है इधर आपका जो भी अमाउंट होगा वो देखने को मिलता है। उसके बाद आपको अपने नेम डाल देना है, उसके बाद आपको लास्ट नेम डाल देना है और उसके नीचे देखने को मिलते हैं जैसे इधर आपको जिप कोड। तो दोस्तों आप अपने जिप कोड को छोड़ सकते हैं। उसके बाद इधर आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना, उसके बाद इधर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों आप जैसे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक इंटरफेस देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको ई वॉलेट पर क्लिक कर देना होगा। ई वॉलेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब इधर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं जैसे इधर आपको पेटीएम, अमेजोन पे और इधर आपको जैसे कि इधर आपको MobiQuik। तो इधर आपको क्या करना है, इधर आपको अमेजोन पे पर क्लिक कर देना होगा, देन उसको इधर आपको पे पर क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों आप जैसे पे पर क्लिक करते हैं हो सकता है कि इधर आपको अपने अमेजोन का जो भी इधर आपको लॉगिन पासवर्ड है इधर आपको डालना पड़ जाए। तो इधर आपको अपने अमेजोन का जो भी इधर आपका लॉगिन पासवर्ड है इधर आपको डाल देना होगा। जैसे आप दोस्तों अपने अमेजोन का जो भी इधर आपको लॉगिन पासवर्ड इधर आप डाल लेते हैं एंड उसको इधर आपको करना होगा थोड़ा सा इधर आपको वेट। जैसे आप वेट करते हैं आपका जो पैसा है इधर आपका AppPay एप्लीकेशन में इधर आपका ऐड हो जाता है। अब दोस्तों इधर आपका अमेजोन पे से इधर आपका AppPay एप्लीकेशन में इधर आपका पैसा ऐड हो जाता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको इस पैसे को अपने बैंक में ट्रांसफर करना होगा। उसके लिए सिंपल से आपको नीचे साइड में देखने को मिलते हैं जैसे इधर आपको पे वाला ऑप्शन, सिंपल से इस पर क्लिक कर देना होगा एंड उसको इधर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले थे जैसे इधर आपको UPI, AppPay टू बैंक और इधर आपको वॉलेट। तो सबसे पहले इधर आपको UPI पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं UPI पे क्लिक किया, तो आप चाहे तो चारों में से किसी से भी सिलेक्ट करके अपने पैसों को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मैं UPI पे क्लिक किया एंड उसको इधर आपको अपने जो भी इधर आपका UPI ID इधर आपको अपने UPI ID इधर आपको डाल देना होगा। देन अगर आप चाहते हैं अपने गूगल पे, फोनपे, पेटीएम में इधर पैसे को ट्रांसफर करने के लिए तो आप इधर से भी आप अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड उसको इधर आपको क्या करना है, इधर आपका जो भी नेम होगा UPI ID पे इधर आपको शो करने को देखने को मिले थे। उसके बाद आपको अपने अमाउंट डाल देना है जितना भी अपने पैसों को ट्रांसफर करना चाहते हैं। और दोस्तों एक बात इधर आपको ध्यान रखना है कि इधर आपको 12 रुपये छोड़ के ही अपने पैसे को ट्रांसफर करना होगा। उसके बाद इधर आपको रिमार्क में इधर आपको अपने कुछ भी डाल देना है नेम, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं इंटर योर MPIN। तो जो भी इधर आपका MPIN है इधर आपको अपने MPIN डाल के इधर आपको सबमिट कर देना होगा। देन दोस्तों आप जैसे ही सबमिट करते हैं आपका जो पैसा है इधर आपका इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। सो आप इस तरीके से अपने जो भी इधर आपका अमेजोन पे में पैसे है उसे अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो आई होप का आपको वीडियो अच्छा लो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहले आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका इन्हीं को क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उधर आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी से नेक्स्ट वीडियो में।